क्या तुम्हारा भी एम जो है भाई बंदे के बॉडी पर चिपक जाता है? इन कंडीशन आप कितना भी ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो, आपका एम जो है बंदे के बॉडी पर ही चिपका रहता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूं। और साथ ही में मैं तुम्हें कुछ एम्स के ऊपर टिप्स भी दूंगा कि कौन से एम्स रखना चाहिए जिससे कि तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा गोलियां सीधे हेड पर लगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले तो तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो के तो यार मुझे ही हेल्प मिलेगी। तो आओ यार बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हम पहली टिप्स पे। तो पहली टिप्स है राइट क्रॉस हेयर। अब यहाँ पर बहुत सारे बंदे को पता है क्रॉस हेयर क्या होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए फिर भी बता देता हूँ कि जो हम एम रखते हैं जो वाइट एम रहता है और जब ये हम बंदे के ऊपर ले जाते हैं तो वो रेड हो जाता है, तो उसे हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। तो यार अब जो है तुम समझ गए होंगे कि क्रॉस हेयर होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो हर एक बंदा करता है, जिसके कारण उनका ड्रैग लगता ही नहीं है, उनका एम जो है बंदे के बॉडी पर चिपक जाता है। ये मैंने यार बहुत बार देखा है, बहुत सारे बंदे ये मिस्टेक करते हैं। तो मैं उस मिस्टेक बताता हूँ, फिर इसका मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो यार बंदे क्या करते हैं, जो अपना एम रहता है उसको बंदे के पैर के पास रखते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है अगर चलेंगे रन करेंगे ना तो भी देख सकते हो यहाँ पर कि वो पैर के पास यहाँ पर अपना क्रॉसर रखते हैं। अब भाई अगर तुम यहाँ से ड्रैग करोगे तो एम आपका बॉडी तक ही जाएगा ना यार, इस कंडीशन में आप कितना भी ड्रैग कर लो भाई नहीं आने वाला है हेड पर। क्यों जाएगा जब आप पहले ही एम इतना नीचे रखोगे? अगर हम पहले ही एम ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है ऊपर ना। देख सकते हो मैं नीचे से अगर एम करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरा एम ऊपर जा ही नहीं रहा है बंदे के हेड पर, ठीक है। तो यार ये मिस्टेक बहुत सारे बंदे। अब इसका सॉल्यूशन बताऊँ तो आपको सामने जो एडम दिखता है उसके पीछे आपको जो तीन ग्रीन पुतले टाइप के दिखते हैं ना, आपको वहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर जो तुम्हारे एम की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब कि यार जो तुम नीचे एम रखते हो अब वो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो ग्रीन बदला है उसके आपको हेड पर या फिर इसके गर्दन मतलब नेक पर आपको एम रखना है, ठीक है। मैं नेक पर रखता हूँ क्योंकि यार ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक पर फिर भी चला जाता है एम, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर नेक पर रखता हूँ मैं जो ग्रीन वाला पुतला है। अब आपको इसमें दौड़ के प्रैक्टिस करनी होगी, आपको एम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सिर रहता है उसके सीध पर रखना है, ठीक है। अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आएगा। तो यार कोशिश करो कि ऐसे भागने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा गोली आपकी हेड पर लगेगी, यहाँ पर देख सकते हो। अब मेरा यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर मैं इधर से यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, या तो मैं लेफ्ट से करूँगा या तो मैं राइट से करूँगा, लेकिन मेरा एम हमेशा अपवर्ड रहेगा, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से भी करूँ तो भी मेरा अपवर्ड रहना चाहिए और राइट से भी करूँ तो भी अपवर्ड रहना चाहिए। अब यहाँ से मैं बताऊँगा आपको फायर बटन को कैसे घुमाना है या फिर कैसे सीध में लेके आना है। तो यहाँ पर अगर आपका एम लेफ्ट में है तो आपको लेफ्ट से हल्का सा घुमाना है, ठीक है, हल्का सा रोटेट करना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप सीधा सीधा लाओगे तो बॉडी पर भी जा सकता है भले चाहे आपका एम ऊपर क्यों ना हो। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आपका एम साइड में है तो आपको यहाँ से रोटेट करके लेके आना है, ठीक है, और ऊपर की तरफ खींचना है। थोड़ा कम रोटेट करना है और ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है, पूरा रोटेशन नहीं मारना। अभी आप यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा गोलियाँ हेड पर लग रही है, मतलब कि यार 34 से 35 भी गोली तो मेरी आराम से हेड पर जा ही रही है, या तो मेरी फर्स्ट गोली हेड पर लग जा रही है। तो यार ये चीज़ कॉमन थी जो मुझे आपको बताना था, और यार ये बंदे बहुत सारे करते भी हैं। तो यार ऐसी मिस्टेक मत करो, आज ही से जाओ और ट्रेनिंग में सही इस्तेमाल करो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेनी है, आपको शॉर्ट रेंज से भी करनी है और लॉन्ग रेंज से भी करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना तो ये वन टैप के लिए बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हो वन टैप में भी हम ऐसा करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। वन टैप के लिए भी मेरे पास अलग ट्रिक है, अगर आप बोलो तो मैं उसको जल्दी से ले आऊँगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे यार वो वीडियो बनाने का और लाने का, ठीक है। तो यार हर गन में ये वर्क करेगा, ठीक है, जो ड्रैग वाली गन होती है लाइक MP40 या फिर असॉल्ट राइफल वाली गन, ऑटो गन, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करने का यार सही तरीका यह है कि आपको करीबन 20 मिनट तक यहाँ पर टारगेट जोन में ही रहना है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो एडम रहता है उस पर प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से अपने एम को जमाना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 मिनट जाऊँ और सीधे कॉम्बैट जोन में घुस जाऊँ तो आपका एम वापस ही नीचे आ जाएगा और आप फिर से आपका क्रॉस हेयर नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करो तो ऐसी करो कि थोड़ा आपको अफेक्ट मिले आपके गेम प्ले में, ठीक है।
तो यार ऐसी चीज जरूर करना। तो यार अपवर्ड हमेशा एम रखो और यहाँ से तुम रोटेट करो या फिर सीधे ले जाओ, लेकिन हल्का सा तुम्हें ज़्यादा ड्रैग करना ही पड़ेगा जिससे तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा गोलियाँ लग जाएगी। अब बात करूँ यार गन्स के अटैचमेंट की, तो आपको बढ़िया अटैचमेंट्स रखने पड़ेंगे, साथ में आपको ग्रिप 3 की तो रखना ही पड़ेगा अगर और कुछ चीज़ छोड़ो तो, ठीक है ग्रिप। और अगर लॉन्ग रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको मज़ल तो रखनी ही पड़ेगी। अब देखो यार गन में मज़ल होगी तो यार वो रिकॉल नहीं करेगी, रिकॉइल नहीं करेगी तो यार सीधी सीधी गोली जाने लगेगी और जिससे आपकी हेड में पड़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपको मिलने वाले हैं। तो यार होप करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना यार। आपको ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल में मिलती रहेगी तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा देना जिससे यार अगली वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन में आपको मेरी वीडियो दिख जाए, ठीक है। तो यार फटाफट से यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो यार अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, कमेंट में बताओ मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं जिस पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले।